इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2.5 साल से जले हैं तीनों ट्रांसफार्मर, ब्लैकआउट होने से किसान प्रभावित। भरेवा ग्राम मंगवाली स्थित मदाइन टोला में पिछले 2.5 वर्षों से ट्रांसफार्मर जले हुए, जिस वजह से गांव में बिजली की भारी समस्या है। कई बार ग्रामीण उपभोक्ताओं ने शिकायत की है, पर अभी तक विद्युत व्यवस्था बहाल होने से लेकर विभागीय स्तर से कोई पहल नहीं की गई है, जिन कारणों से बच्चों की शिक्षा, कृषि सहित जरूरी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्थानीय किसानों की मांग है कि कलेक्टर साहब पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदारों को कड़े निर्देश देते हुए बिजली व्यवस्था अविलम्ब बहाल कराए। विदित हो कि ग्राम मंगवाली में 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए, जिनमें 63 केबी का जुड़ेरा तालाब में, दूसरा लालमणि कुशवाहा के खेत में 100 केबी एवं तीसरा 100 केबी का मुरलीधर कुशवाहा के घर के पास है। इनमें सभी तीनों ट्रांसफार्मर करीब 2.5 सालों से चले हुए। यहां किसानों को इतनी बिजली भी नहीं मिल रही है कि वो अपने मोबाइल को चार्ज कर सके। बताया जाता है कि गांव के कुछ लोग निजी ट्रांसफार्मर लगाए हुए, जिनकी मदद से प्रभावित किसान बिजली संबंधी अनिवार्य समस्याओं को किसी तरह पूरी कर पा रहे हैं। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से ग्रामीण किसानों की मांग है कि गांव के तीनों जले ट्रांसफार्मर ठीक कराए जाए, जिससे गांव में बाधित विद्युत व्यवस्था पुनः बहाल हो सके। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।